थंबनेल देखकर शायद आपको पता चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पठान का ट्रेलर पर हर दिन कोई ना कोई सुपरस्टार अपना रिएक्शन और स्टेटमेंट देते दिख रहे हैं और आज मैं इस हफ्ते पठान मूवी का ट्रेलर पर रिएक्ट करने वाले सभी सुपरस्टार्स का वीडियो लेकर आया हूं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखकर जानिए कि आखिर कौन इस मूवी के साथ है और कौन इस मूवी के खिलाफ। वेल, मेरा नाम है स्नू सेब और आप देख रहे हो स्नू सेब यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। वेल, आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल न्यूज और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा किस चीज का चर्चा हो रहा है, ऑनलाइन हो या फिजिकली। बॉयकॉट गैंग हर दिन हर समय इस मूवी को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। इन सब को इग्नोर करते हुए पठान मूवी का टीम हर मुश्किल हालात के साथ जूझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो चुका है। आपको बताता चलूं कि पठान मूवी का सॉन्ग और ट्रेलर ने एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं आलिया भट्ट का पठान मूवी के ऊपर क्या कहना है। पठान मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होने के बाद आलिया भट्ट ने SRK का एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि स्वीट और रेस्पेक्ट उससे अच्छा है, मगर 25 जनवरी के बाद मैं आपको पठान बुलाऊंगी, तो आपको क्या लगता है मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। आलिया भट्ट ने SRK का इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वो सब बातें कही थी। आलिया भट्ट का इस ट्वीट को देखने के बाद हमें पता चलता है कि पठान मूवी का जादू आलिया भट्ट पर भी चल चुका है। नंबर दो पे आते हैं भुवन बाम, जिन्होंने पठान मूवी को सपोर्ट करते हुए एक ऑफिशियल कॉमेडी वीडियो बनाकर अपना ऑफिशियल चैनल पे अपलोड किया है। छोटा सा क्लिप आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कुछ काम करो तो ऐसा करना मन लगा के, बनना है तो शाहरुख खान जैसा बनना। अभी कौन सी फिल्म आई है इरफान पठान? हाँ, काम करो तो ऐसा करो, देखो कितनी बातचीत है, उनको 30 साल हो गए। नंबर तीन पे आते हैं रणबीर कपूर, आलिया भट्ट का ट्वीट वायरल होने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर्स ने पठान कंट्रोवर्सी के ऊपर रणबीर कपूर का क्या कहना है पूछने पर रणबीर कपूर ने कहा मूवी का कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर सच में इस मूवी का कंटेंट अच्छा होगा तो इस मूवी को चलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शाहरुख खान सेकेंड पर्सन है जो उनको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। नंबर चार पे आते हैं संजय दत्त, उन्होंने पठान कंट्रोवर्सी के ऊपर कुछ ऐसा कहा है, बॉयकॉट अब कॉमन हो चुका है, अब लोग किसी भी मूवी को बिना देखे बॉयकॉट करने लग जाते हैं, चाहे वो मूवी अच्छा हो या बुरा। बॉयकॉट के दौरान की जाने वाली गतिविधि से लोगों के दिलों में डर पैदा हो रहा है। किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने से पहले सच्चाई जानना बहुत जरूरी होता है और अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पॉलिटिक्स का अड्डा बताया जा रहा है, जो कि बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा कहना है संजय दत्त का इस मूवी के ऊपर। नंबर पाँच पे आते हैं आमिर खान, हाल ही में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान रिपोर्टर्स ने पठान कंट्रोवर्सी के ऊपर आमिर खान का राय पूछने पर आमिर खान ने कहा मूवी का जितना विरोध हो रहा है उतना ही फ्री में प्रमोशन भी हो रहा है, सब खेल मूवी का कंटेंट पर निर्भर होता है, मूवी का कंटेंट अच्छा निकला तो मूवी अच्छा चलेगी, लेकिन मूवी का कंटेंट अच्छा नहीं निकला तो ऑडियंस को जवाब देने में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कुछ ऐसा कहना है आमिर खान का। ऐसे ही और भी बहुत सेलिब्रिटी ने पठान पर अपना रिएक्शन दिया है। अगर हमारे इस वीडियो पर 20 लाइक कम्प्लीट हो जाता है तो मैं और भी पठान के ऊपर सेलिब्रिटी रिएक्शन वीडियो लेकर आऊंगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको क्या कहना है पठान मूवी कंट्रोवर्सी के ऊपर, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।